बिल्कुल बिल्कुल, बिहार की जनता देखना चाहते हैं और बिहार का नेता भी, हम समझते हैं लगभग सब लोग तैयार है, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटी है उसको निभाने के लिए, हो सकता है एक आध दो महीना लेट हो, लेकिन ये तेजस्वी जी सरकार, तेजस्वी कुर्सी पर बैठेंगे सीएम का और बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए आज मैं सचेतक बना हूँ, आपको पता होना चाहिए कि पिछले कई साल से, कई महीनों से सैलाब हमारे इलाके के ज़मीन को और घर को नष्ट करते जा रहा है, नदी कटान हो रहा है, और हम लोगों ने जो पिछले 74 साल में नहीं हुआ, पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने करके दिखाया। क्या लगता है, क्या उम्मीद करें यहाँ की जनता? अब देखिए उम्मीद जो है जनता को, उस पर हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे, इंसाफ दिलाने का काम करेंगे, और हम लोग उसके कंधे से कंधे मिलाकर हर दुख मुसीबत में साथ रहने का काम। सीमांचल में विशेष पैकेज की बात भी कई बार आएगी। देखिए हम लोग तो सरकार के आदमी हैं और सीमांचल का हक को लेने के लिए हम लोग हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि हमारा सीमांचल में ज़्यादा से ज़्यादा हो, और सेंट्रल सरकार से भी हम लोग दावा करेंगे कि सीमांचल ही नहीं पूरे बिहार में हमको स्पेशल पैकेज मिले। हमारा नेता का डिमांड है कि बहुत दिनों से ये विशेष पैकेज चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है, इस मरता हम लोग और ज़्यादा प्रेशर दे करके कोशिश करते हैं कि हमारे बिहार में विशेष पैकेज मिले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।